करीम अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, आप तमाम को और आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों को मेरी जानिब से ईद उल अज़हा की पुरखलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। और यहाँ पर हैदराबाद की तारीख़ी ईदगाह मीरालम में अभी कुछ ही देर पहले नमाज ईद उल अज़हा खुशू व खुजू के साथ मुसलमानों ने अदा की है। और अभी कुछ ही देर पहले इख्तिताम हुआ है नमाज का, अभी लोग अपने घरों को जा रहे हैं। तो सुबह से ही यहाँ पर बारिश की वजह से कुछ खलल पैदा हुआ है, लेकिन मुसलमानों का जो जोश व खरोश था उसमें कोई कमी नज़र नहीं आई है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हज़ारों की तादाद में मुसलमानों ने यहाँ पर नमाज ईद अदा की खुशू व खुजू के साथ और अपने घरों को रुख्सत हुए हैं। और यकीनन इसके बाद वो हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है, ख़ास ज़बह की जो सुन्नत है जानवर को ज़बह करने की, वो यकीनन अदा कर रहे होंगे। मैं तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों को और खुसूसन हमारे शहर हैदराबाद के मुसलमानों को दिल की गहराइयों से ईद की मुबारकबाद पेश करते हुए आप तमाम हजरात से अपील करता हूँ कि खुशू व खुजू के साथ, इखलास के साथ अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा की खातिर जानवर को ज़बह करें। और गरीबों का और मसाकिन का ख़ास ख्याल रखें, चूँकि इसमें गरीबों और मसाकिन को ख्याल रखने की तलखीन की गई है गोश्त के ज़रिए, चिल्म के ज़रिए, अपने माल के ज़रिए। और ख़ास तौर पर जो मदारिस है, दीनी मदारिस है, चिल्म की कुर्बानी के ज़रिए उनकी इमदाद की जाती थी हर साल, लेकिन चंद साल से चिल्म की कीमत कम होने की वजह से इमदाद में कमी हो गई है। मैं तमाम मुसलमानों से अपील करता हूँ कि तमाम दीनी मदारिस जो मिल्लत इस्लामिया का असासा हैं, उनको अपनी चिल्म के ज़रिए ही नहीं, क्योंकि उसकी कीमत कम हो गई है, माल के ज़रिए कम से कम 500 रुपये हर मदरसे को दें, ताकि मदरसे जो इस्लाम के मिल्लत के असासे हैं वो भी चलते रहें और वहाँ से उलमा फ़ज़ला हफ़ाज़ निकलते हैं। मैं तमाम मुसलमानों से अपील करता हूँ इस तरफ तवज्जो दें और अपनी कुर्बानी को अदा करें अल्लाह उसके रसूल की रज़ा खातिर, और दीन का जो अहम मसला है नमाज की पाबंदी करें और अल्लाह सुबहान व तआला के तमाम फरमान पर, उसके रसूल के फरमान पर अमल करें। मुबारकबाद देते हुए दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी कुर्बानियों को और आपकी ईद को कबूल फरमाए। रहमतिके या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शहर में ईद के लिए फेस्टिवल की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल हुई। सिटी पुलिस के तरफ से सभी को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। सभी मस्जिद में, ईदगाह में प्रेयर्स चल रहे हैं, बहुत जगह कंप्लीट हुए। हैदराबाद सिटी पुलिस के सभी सीनियर ऑफिसर्स यहाँ बहादुरपुरा लिमिट में मीर आलम ईदगाह में अभी फंक्शन अटेंड किए और यहाँ करीब 15 से 18 हज़ार आज डिवोटीज़ लोग आए। अभी इस कोरोना के टाइम में मैं शुक्रगुजार हूँ लोगों का जिन्होंने मास्क यूज़ किया, सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया इसमें, और GHMC हेल्थ डिपार्टमेंट, RNB सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मिलकर इस बंदोबस्त को बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल किया। थैंक यू।